सैयद अली के नानी मरहूम व मकफूर, फिक्र इकबाल और तहरीक पाकिस्तान जो इकबाल की क्यादत में 37 में शुरू हुई थी, उसके एक जाबाज मुजाहिद थे। सारी जिंदगी वो इकबाल की फिक्र और इकबाल के अमल के तसलसल में तहरीक आज़ादी कश्मीर की क्यादत करते रहे। उनका तसव्वुर आज़ादी कश्मीर को पाकिस्तान का एक अटूट अंग बनाना था, और इसी सिलसिले में उन्होंने सियासी सरगर्मियां भी जारी रखी और बड़ी जुर्रत के साथ बड़े निडर अंदाज में साम्राज्य जो हिकमत अमली है उसका मुकाबला करते रहे, कैदोबंद की सख्तियां झेली और नजरियाती तौर पे लिखते भी रहे। उनकी किताब इकबाल रूह असल का शनासा एक ऐसी किताब है कि जो इकबाल की सियासी जिंदगी और जद्दोजहद को इस तरह से पेश करती है कि इकबाल का लगता है कि तसव्वुर पाकिस्तान जो है वो पूरे के पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का अटूट अंग बनाना चाहता था, और यही एक ऐसी जद्दोजहद थी कि जो उनकी जिंदगी का जली उन्वान थी। आखिर दम तक वो शख्सियाँ सहते रहे, कुर्बानियाँ देते रहे, लेकिन अपने इस्लाम शनासी के जो इकबाल शनासी का एक इनकलाबी पहलू था उसको भी आम करते रहे।